छात्र संगठन नामी पार्टी का आप मध्य प्रदेश को लेकर जो आने वाले एक साल का अभियान है, प्रोग्राम है, उसका लॉन्च कर रही है। और इसके अंतर्गत पेपर लीक पर कड़ा कानून बनेगा। हम मांग करते हैं इसमें सरकार को, जो कि मध्य प्रदेश राजधानी है इसकी, पेपर लीक की भर्ती घोटाले की व्यापक का घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ, मेरा मेडिकल का घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ, नर्सिंग का हुआ, पटवारी का हुआ, नीट पेपर का इतना बड़ा चल ही रहा है, आरक्षक भर्ती घोटाला, कृषि विस्तार अधिकारी घोटाला, मेडिकल यूनिवर्सिटी घोटाला, आदिवासी पीएस एक एक कोऑर्डिनेटर के भर्ती घोटाला, पेपर लीक घोटाला, प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा घोटाला, टाइपिंग परीक्षा घोटाला, पीए डीएमटी घोटाला, प्री पीजी मेडिकल टेस्ट घोटाला, फूड इंस्पेक्टर चयन घोटाला, सूबेदार घोटाला, पुलिस कांस्टेबल घोटाला, संविदा कर्मी घोटाला, परिवहन आरक्षक घोटाला, वन आरक्षक भर्ती, शिक्षा भर्ती, अलग अलग विश्वविद्यालयों के पेपर लीक, अलग अलग विश्वविद्यालयों में भर्ती घोटाला, अलग अलग जो इंट्रेंस टेस्ट होते हैं जिसमें एग्जाम में होती है बच्चों को, अलग अलग कोर्सों की, उसके घोटाले, पेपर लीक एक बहुत बड़ा नर्सरी है मध्य प्रदेश में जो पूरे देश में हो। इन सब को लेकर मध्य प्रदेश एक तरह से बीजेपी की आरएसएस की नर्सरी है इस काम को लेके। तो कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि एनएसयूआई के माध्यम से, छात्र संगठन के माध्यम से पेपर लीक पर कड़ा कानून बने, इसका अभियान चला विश्वविद्यालय कैंपस, कॉलेज कैंपस, जिसमें दोषी जो भी हो पेपर लीक का उसको 20 वर्ष की सजा हो और 10 करोड़ रुपए तक जुर्माना हो। समस्त परीक्षाओं पर ये नियम लागू होना चाहिए। जिम्मेदारों को बर्खास्ती और संस्था के मान्यता निरस्त होनी चाहिए। जिस जिम्मेदार जिसके यहाँ हुआ, जो उसके लिए दोषी पाया गया, वो बर्खास्त हो और मान्यता संस्थान के हमेशा के लिए क्लियर समाप्त हो, ये पेपर लीक पर कड़ा कानून बने। दूसरा, छात्रवृत्ति को लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत आना चाहिए। आप सब भी सुने, ये अभियान कैंपस में चलाना है, छात्रों से बात करना है, कॉलेजों में जितने भी मालिक है उनको भी इसके लिए मेमोरेंडम देना है, संबंधित कलेक्टरों को देना है, संबंधित कुलपतियों को देना है, जिसमें छात्रवृत्ति पर लोक सेवा गारंटी में आना चाहिए, लोक सेवा गारंटी अधिनियम में शामिल हो समस्त छात्रवृत्ति। छात्रवृत्ति भुगतान तक अधिकारियों का वेतन का जिस समय होनी चाहिए उसकी समय प्रोग्रामिंग हो, नहीं हो तो फिर संबंधित अधिकारियों का वेतन रोकना चाहिए। फर्जी छात्रवृत्ति लेने वाले संस्थानों पर 50 करोड़ का जुर्माना होना चाहिए। 3 लाख सालाना से कम आय वाले समस्त छात्रों को छात्रवृत्ति मिले, वो किसी भी वर्ग का। 3 लाख रुपए जिनके परिवार की सालाना आय है उससे कम जिसकी भी हो उनको सबको छात्रवृत्ति मिलना चाहिए। छात्रवृत्ति पोर्टल सुगम होना चाहिए, सरल होना चाहिए, सबको शिक्षा और सबको प्रवेश। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसमें स्कूल एजुकेशन में 50% छात्र घट गए। जब स्कूली बच्चा नहीं जाएगा तो कॉलेज कैसे जाएगा? तो एक अभियान है आप लोगों के सुप्रत, एनएसयूआई के सुप्रत, कि सबको शिक्षा और सबको प्रवेश, सीट वृद्धि के साथ साथ प्रवेश में नए पाठ्यक्रम जोड़े जाए। इन ईपी एनईपी की अनुरूप पसंदीदा विषय लेकर लेने की छूट मिले। घिसे पिटे सिलेबस की जगह लागू हो रोजगार मूलक सिलेबस। एसटी एससी हॉस्टल की संख्या बढ़े,
कम से कम आज है उससे दुगने हो। इसी सत्र में खोले जाए जो 100 महिला, कम से कम 100 बच्चियों के हो, महिलाओं के हो, और 50% जो गरीब छात्र है उनके लिए भी इसमें निर्धारण हो। शीघ्र भरे जाए अध्यापकों के रिक्त पद। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी 15 महीने के लिए 4000 असिस्टेंट प्रोफेसर हमने रेगुलर नियुक्त किए थे। उसके बाद मोहन यादव ही जो आज मुख्यमंत्री है वो खुद उस विभाग के मंत्री बने। उनने कभी इसके लिए प्रयास नहीं किया कि यूपीएससी और असिस्टेंट प्रोफेसर बढ़े। उनने इसलिए किया कि ट्रांसफर इधर से उधर हो। जो बीजेपी के कार्यकर्ता वो कैसे पीछे से भर्ती होकर कॉलेज में भर्ती हो, जिसको वेतन भोगी के रूप में प्रोफेसर की उपयोगिता बने। हम मांग करते हैं कि प्रोफेसर की भर्ती नियमित और जल्दी से वृद्धि हो।